हेलो दोस्तों, हिस्ट्री 91 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग सही से होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3, और बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार सा मेथड मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि बिना पेन छुए सिर्फ हाथ के इशारे से हम पहचान कैसे सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है इशारे से पहचाने रिश्तेदार, है ना, इशारे से पहचाने क्या, रिश्तेदार। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दे, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, वो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। जितने भी आप एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो वहां पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। और दोपहर का 1 बजे का समय हो रहा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्लड रिलेशन का तीसरा टॉपिक, जिसमें हमको क्या, इशारे के थ्रू किसी भी रिलेशन को पूछा जाता है, है ना, इशारे के थ्रू किसी भी रिलेशन को पूछा जाता है। तो उस चीज को हम यहां पर आज पढ़ने वाले, है ना, उस चीज को हम यहां पे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा समझिएगा बेसिक, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम कहीं चाय की दुकान पे बैठे हों, सपोज कीजिए चाय की दुकान पे बैठे हों, या किसी बस में ट्रेवल कर रहे हों या किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हों, है ना, पता चला कि हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे मामा गाँव का है, है ना, हमारे बगल में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो हमारे मामा गाँव का है, तो उसके साथ हम रिलेशन कैसे जोड़ते हैं, बताइए। अगर हमको ये पता चला कि जो व्यक्ति हमारे बगल में बैठा है वो हमारे मामा गांव का है, तो हम उसके साथ रिलेशन कैसे जोड़ते हैं, बताइए कैसे जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप व्यवहारिक, एकदम व्यवहारिक उदाहरण, घर का उदाहरण लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके साथ हम रिलेशन कैसे जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हम हैं और यह वह व्यक्ति है जो बगल में बैठा है, ठीक, पता चला कि ये हमारे मामा गांव का है, तो हम इसे बोलते हैं कि तुम मेरे मामा को जानते हो, ये हमारे मामा हो गए, ये माँ और माँ का भाई क्या हो गए, मामा, है ना। हमने कहा कि तुम इनको जानते हो, हम किसी पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम लेते हैं जो उस गांव का हो और हमारा रिलेटिव हो। जैसे मान लीजिए कि मामा गांव का है, तो हमने मामा का नाम ले लिया कि इनको जानते हो, तो वह व्यक्ति क्या कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, यह मेरे भाई हैं। उसने कह दिया कि हाँ मैं जानता हूं, यह मेरे क्या हैं, भाई हैं, तो तुरंत उस व्यक्ति के साथ हम क्या रिश्ता जोड़ लेते हैं। अगर हमने कह दिया कि यह मेरे भाई हैं, तो बताइए तुरंत वह व्यक्ति हमारा क्या हो जाता है, तो तुरंत वह व्यक्ति, हम कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है हमारे मामा का भाई है, इसलिए यह क्या हो गया, भाई हो गया, है ना, तुरंत हम जोड़ लेते हैं। डायरेक्ट तो हमारा कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा हम जुड़ जाते हैं, है ना, डायरेक्ट हमारा रिलेशन नहीं होता है लेकिन तीसरे व्यक्ति के थ्रू हम जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह व्यक्ति ने कह दिया, है ना, उस व्यक्ति ने कह दिया कि वो मेरे चाचा लगते हैं, है ना, जो यह मामा है आपके वो हमारे पिता के भाई हैं। अब ये कैसे जुड़ गया, तो हम कि हमारी माँ का भाई मामा, मामा का भाई मामा, और मामा का लड़का क्या हो जाएगा, ममेरा भाई, हम कहते वो हमारा क्या हो गया, ममेरा भाई हो गया, है ना, तो हम सीधे जुड़ जाते हैं। जैसे आप देखें कि गांव में हम लोग अगर बचपन की बात करें, तो वहां पे हम लोग का एक मित्र था, है ना, क्या मित्र, सौरभ था, अभी वो हार्डली इस दुनिया में नहीं है, दुखद है, अच्छा मित्र था, वो हमारी दुनिया में नहीं है इस समय, लेकिन उसकी बातें हमको हमेशा, जब ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमको उसकी बात याद आती है, है ना। क्या होता है कि उसको चाचा बनने का शौक था, है ना, वो चाचा मतलब सबका चाचा वो बनता था, तो चाचा का रिलेशन वो कैसे जोड़ता था, कहता था कि अच्छा तुम उनको चाचा कहते हो ना, मैं उनको भैया कहता हूँ और वो उनके भाई हैं, वो मतलब हमारे भाई के भाई हैं, मतलब मैं तुम्हारे चाचा का भाई हो गया, तो मैं तुम्हारा हो गया चाचा, है ना। तो उसको हम लोग चिढ़ाते थे कि तुम्हारा ब्लड रिलेशन ऐसा है कि तुम अगर जोड़ दो तो तुम अपने पिता के भी पिता बन जाओगे, पिता के भी चाचा बन जाओगे। तो गांव में कुछ ऐसे रिलेशन हम जोड़ते हैं कि अगर हमको चाचा बनना है तो हम क्या कहते हैं कि तुम उनको चाचा कहते हो, मैं उनको भैया कहता हूँ, तो मेरे चाचा तुम्हारे चाचा मेरे भैया हो गए, तो मैं तुम्हारा चाचा हो गए, तुम मेरे भतीजा हो गए, हम ऐसे जोड़ते हैं। बस ऐसे ही प्रश्न ये है कि हम डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, तीसरे व्यक्ति के थ्रू जुड़ते हैं, तो हमको क्या करना है कि इसके लिए अगर हम फैमिली ट्री बनाएं दोस्तों तो काफ़ी टफ हो जाता है, है ना, फैमिली ट्री बनाए तो क्या होता है, काफी टफ हो जाता है। इसलिए हम इसको इशारों से ही समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम सीखेंगे कि कैसे हम इस रिलेशन को डिसाइड करते हैं,
है ना, एक एक चीज को पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमने पहला कहा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, अगर मैं कहूं मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो ध्यान रखिएगा कि मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, है ना। मेरे पिता का इकलौता पुत्र अगर मैं कहूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं स्वयं की बात कर रहा हूं, है ना। जैसे दूसरा शब्द इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, वो ये है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, है ना, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अगर मैं बात करूं कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं अपने पिता की बात कर रहा हूं। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो मेरे पिताजी हो गए ना। तो जब भी ये शब्द यूज हो, दादाजी के इकलौते पुत्र, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है बताइए? अपने पिता की बात कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, यह व्यक्ति कह रहा है, ठीक है, मेरे सास की इकलौती पुत्री, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी कोई सास वास नहीं है, ठीक है ना। मेरे सास की इकलौती पुत्री मतलब जो व्यक्ति वह बात कर रहा है, वह किसके बारे में बात कर रहा है? अपने पत्नी के बारे में बात कर रहा है ना, अपने पत्नी की बात कर रहा है। अगर कह दे मेरे सास की इकलौती पुत्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? वो पत्नी की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द जो होता है, वो शब्द होता है इकलौती, है ना। अगर इस चीज को अगर आपने ध्यान दे दिया, तो इस प्रश्न में आपसे कभी भी गलती होने वाली नहीं है, है ना। अगर आपने इकलौता और इकलौती को ध्यान दे दिया, तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, ठीक। जैसे हम कहें कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक शब्द कहा, मेरे पिता का इकलौता पौत्र, तो इकलौता पौत्र मेरे पिता का, इसका मतलब ये बात कहूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपने पुत्र की बात कर रहा हूं, है ना, अपने पुत्र की बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपको महत्वपूर्ण हो जाता है क्या, जब आप इकलौता और इकलौती की बात करें, है ना। अगर इस चीज को आपने ध्यान दे दिया, तो कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है, है ना। इकलौता इकलौती इन सब चीजों को अगर आपने ध्यान दे दिया, तो कभी भी समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न पे चलते हैं, और ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना है मैं आपको सिखाता हूं, आसानी से कम समय में कैसे हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे आप एक बार जरा ये प्रश्न को पढ़िए, जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वो डाउनलोड कर दें। अगर आप अभी वीडियो लाइक करना भूल गए हैं, तो तुरंत लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये प्रश्न जरा सा पढ़िए। तो ये प्रश्न जरा पढ़िए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने किससे कहा? अपने मित्र से कहा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने किससे कहा? अपने मित्र से कहा कि वह मेरे पिता मतलब इस व्यक्ति के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र मतलब इकलौते पुत्र स्वयं हो गया, कि क्या है? पुत्री है, है ना, कि क्या है? पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंध, तो इसी लड़की की बात कर रहा है ना, ये लड़की इस आदमी की क्या है? पुत्री है, है ना। क्या कह रहा है? वह मेरे पिता
की पत्नी क्या इकलौता पुत्र स्वयं हो जाएगा, और स्वयं की वो क्या हो जाएगी पुत्री, वह लड़की उस व्यक्ति की क्या है पुत्री है, पुत्री हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको फैमिली ट्री नहीं बनाना है, फैमिली ट्री बनाएंगे तो टाइम टेकन होगा। अब देखिए इसको कैसे करना है, कहा तो ये ध्यान देना है कि किसके बारे में कहा, लड़की के बारे में कहा और किसने कहा, एक आदमी ने कहा। ध्यान दीजिए आदमी कह रहा है किसकी ओर इशारा करते हुए, लड़की की इशारा करते हुए, तो आदमी कह रहा है मतलब मैं कह रहा हूं। अगर मैं ये कहूं वह मेरे पिता, यहां तक ठीक है, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन हो गई, मां हो गई, मतलब पिता को अब छोड़ देना है, पिता को क्या करना है छोड़ देना है, क्या हो गई मां को लेना है, मां, मां का इकलौता पुत्र, अभी हमने बताया आपको मां का इकलौता पुत्र मतलब व्यक्ति किसकी बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है, मां का इकलौता पुत्र, अपनी मां का इकलौता पुत्र स्वयं की बात कर रहा है, और स्वयं की वह क्या है पुत्री है, मतलब वह लड़की क्या है पुत्री है, अपने आप आपको आंसर मिल गया पुत्री। लेकिन अगर पूछता आदमी का उस लड़की से क्या रिश्ता है तो क्या होता पिता होता, लेकिन यहां पूछा लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की के बारे में पूछ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा पुत्री हो जाएगा। बात समझ में आई, फिर से सीखिए कि कैसे पकड़ना है, बाद वाले रिलेशन को लेना है और पीछे वाले रिलेशन को छोड़ देना, बाद वाले रिलेशन को लेना है पीछे वाले को छोड़ देना। जैसे जैसे इस प्रश्न को फिर से देखिए, आदमी कह रहा है, आदमी हम बन जाते हैं ठीक है, लड़की के बारे में कह रहा है, जेंडर क्या महत्वपूर्ण है, जेंडर क्या है, लड़की के बारे में कह रहा है क्या, वह मेरे पिता, मतलब मैं समझिए आदमी हूं, मेरे पिता ठीक है, यहां तक हमको मिल गया, पिता की पत्नी इसका मतलब यहां पे क्या होगी मां, मां को लेना है और पिता को अब छोड़ देना है ठीक है, मां पे आ गए, मां का इकलौता पुत्र, मां का इकलौता पुत्र मैं खुद हो गया, मैं हो गया, इसका मतलब मां को छोड़ देना है, मैं पे होल्ड करना है, और मेरी इकलौता पुत्र मतलब स्वयं की बात कर रहा है, स्वयं की वह क्या है पुत्री है, स्वयं की मतलब मेरी वो क्या है पुत्री है, इसका मतलब वह लड़की क्या हो गई पुत्री हो गई, इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा पुत्री हो जाएगा। बात समझ में आई, तो फैमिली ट्री बनाने से बचे, आप रिलेशन को ऐसा करें कि अपने घर में भी ले जाके इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है, आप घर से उदाहरण बना लीजिए, घर को उदाहरण बना लीजिए, कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, अपने आप प्रश्न सॉल्व हो जाएगा ठीक है। जैसे आगे देखिए, एक व्यक्ति ने अपने आगे से एक लड़के को दिखाया, एक व्यक्ति ने अपने आगे के लड़के को दिखाया और कहा कि, मतलब अब व्यक्ति कह रहा है लड़के के बारे में क्या, वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की भाभी है ना, मेरी पत्नी की भाभी मतलब है ना, मेरे पिता की मामी हो गई, मेरी पत्नी की भाभी मतलब मेरे पिता की मामी का पुत्र है, मतलब वह मेरे साले का पुत्र है, जो लड़का है वो क्या है मेरे साले का क्या है पुत्र है, किंतु मैं अपनी माता पिता की एकमात्र संतान हूं, वह मेरे पुत्र से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वह मेरे लड़के के मामा का पुत्र है ना, वह मेरे लड़के के मामा का पुत्र है, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा भाई है ना। या अगर आप इसको फैमिली ट्री बनाएं तो व्यक्ति कह रहा है क्या कि वह मेरी पत्नी के भाई का क्या है पुत्र है, सॉरी भाभी का पुत्र है, वह मेरी पत्नी के भाई की पत्नी भाभी का क्या है पुत्र है ना। अब इससे किसका पूछ रहा है, वह स्वयं के लड़के का, तो इसकी माँ का भाई मामा का क्या हो जाएगा पुत्र, और मामा का पुत्र क्या हो जाएगा ममेरा भाई हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ममेरा भाई। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, गोपाल ने कहा गोविंद की ओर इशारा करते हुए, मतलब गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता, किसके पिता, गोविंद के पिता, गोविंद के पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र। अब देखिए इसका मतलब तो मैंने आपको बताया है ना, मैं कहूं मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्वयं की बात कर रहा हूं, बताइए
अगर मैं ये कहूं, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये शब्द हो मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो इस सेंटेंस का मतलब स्वयं हो गया, और वह क्या है, इसका पिता है, मतलब गोविंद का पिता है, मतलब गोपाल क्या है, गोविंद का पिता है, गोपाल से गोविंद का क्या रिश्ता है, गोपाल गोविंद का क्या है, पिता है। देखिए ध्यान दीजिए, फिर समझिए। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि गोविंद इसके पिता, मतलब गोविंद के पिता कौन है, गोविंद के पिता कौन है, वह जो है मेरे, मतलब गोपाल, मेरे मतलब गोपाल कह रहा है, तो गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र, तो गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र गोपाल स्वयं होगा, और वह क्या है, गोविंद का पिता है, इसका मतलब गोपाल क्या है, गोविंद का पिता है। कह रहा है गोपाल से गोविंद का क्या रिश्ता है, गोपाल से पूछा है ना, गोविंद का, सॉरी गोपाल से गोविंद का पूछा है ना, उल्टा हो गया, ठीक है, गोविंद का गोपाल से क्या रिश्ता है, तो गोविंद गोपाल का क्या है, पुत्र है, पिता, गोपाल पिता होगा और गोविंद क्या होगा, पुत्र होगा। बात समझ में आई है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, ठीक। आगे देखिए आंसर दीजिए इसका। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक, अब देखिए पुरुष के बारे में कहा जा रहा है और औरत कह रही है, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी, पुरुष की पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। अगर कोई ये महिला कहे मेरी मां की इकलौती पुत्री, बात समझिए, आपके घर में चाहे आपकी दीदी हो, चाहे बुआ हो, चाहे चाची हो, अगर मान लिया आपकी दीदी कहे कि मेरी मां की इकलौती पुत्री, इसका मतलब वो स्वयं की बात कर रही है ना। तो अगर वो महिला कोई कह दे कि मेरी मां की इकलौती पुत्री, इस सेंटेंस का सीधा सा मतलब हुआ वह स्वयं की बात कर रही है, और स्वयं क्या है, उसकी पत्नी है, स्वयं क्या है, उसकी पत्नी है, इसका मतलब क्या हुआ, वह पुरुष आदमी का, उस महिला का क्या है, पति है, और महिला उसकी क्या है, पत्नी है। आंसर क्या है, पूछा क्या है, बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, पत्नी का हो जाएगा, है ना। अगर आपको कोई समस्या लगती है तो टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं, क्या, विकास सिंह रीजनिंग, है ना, सीधे आप इसको सर्च कर सकते हैं, विकास सिंह रीजनिंग, और टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ के अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, यहां मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो लोग जुड़ चुके हैं चैनल से और लोग को जोड़िए, और चैनल पर ज्यादा से ज्यादा से लोगों को एक्टिव रखिए, ठीक है। चलिए आगे, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा, उमेश कह रहा है लड़की की ओर इशारा करते हुए, क्या, उसकी मां का भाई, उसकी मां का भाई, इसका मतलब क्या हो गया, लड़की का मामा, उसकी मां का भाई मतलब लड़की के मामा। अब लड़की के मामा से देखना है उमेश का क्या रिश्ता है, मेरी मां के पिता मतलब मेरे नाना का इकलौता पुत्र है, मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र मतलब मेरी मां का भाई, मेरी मां का भाई मतलब क्या हो गया, मामा, है ना, है ना, मेरी मां का भाई मतलब क्या हो गया, मामा। तो जो लड़की का मामा है वही उमेश का मामा है, जो लड़की का मामा है वही क्या है, उमेश का मामा है, इसका मतलब उमेश और लड़की भाई बहन हो गए। ध्यान दीजिएगा, उसकी मां का भाई मतलब लड़की की मां का भाई, और लड़की की मां का भाई लड़की का क्या होगा, मामा होगा, लड़की का मां का भाई और लड़की का क्या होगा, मामा होगा, लड़की के मां का भाई लड़की का क्या होगा, मामा होगा, और मेरी मां का इकलौता पुत्र है मतलब मेरी मां का भाई है, मामा है, है ना। तो बताइए क्या कह रहा है, लड़की की मां, है ना,
उमेश से क्या संबंध है? तो माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मामा एक ही हैं, है ना। जैसे आपका मामा और आपके मौसी के लड़के का मामा एक ही होगा ना, तो माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इकलौता सिर्फ क्या है? इकलौता सिर्फ है क्या? लड़का, लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ध्यान दीजिए कि इकलौता पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब लड़की की बात कर रहा है, लड़कियां हो सकती है, ठीक। चलिए आगे। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा था, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरे पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या रिश्ता है, है ना। ये प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया है। मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और दुर्भाग्य से यह क्वेश्चन मेरा गलत था, है ना। मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है, बात समझिएगा कि मैं भी लर्नर हूँ, जो मानवीय भूल होते हैं वो हमसे भी हो सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्यों? क्योंकि हमने इसका आंसर पिता टिक कर दिया था और यहाँ पे एक लाइन मैंने ऊपर से पढ़ना भूल गया था मैं, क्या कि लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने कहा। तो पिता के बगल में बैठा है इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए पिता तो नहीं हो सकता। तो दुर्भाग्य से ये क्वेश्चन हमसे क्या हो गया था? गलत हो गया था। और दो नंबर का ये क्वेश्चन था, दो नंबर मेरा नुकसान होके माइनस मार्किंग में भी 1/3 में 0.6 मतलब 2.6 क्वेश्चन का हमको जो है नुकसान हुआ था, ठीक है। तो गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको उसमें सोचना नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो लोग भी पिता कह रहे होंगे वो तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, ठीक है। पिता तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पिता के बगल में बैठे हुए आदमी ने कहा, तो पिता नहीं है, ठीक है। चलिए, दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है, उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर। अब अगर कोई व्यक्ति कहा कि मेरी पत्नी के ससुर, मतलब वो अपने पिता की बात कर रहा है, और पिता की बहू पत्नी हुई, पिता की बहू पत्नी हुई और पत्नी का पति मैं स्वयं हो गया और स्वयं का पुत्र हो जाएगा, इसका मतलब पिता तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो पिता के बगल में बैठा है, ध्यान दीजिएगा, पिता के बगल में बैठा है। तो ध्यान दीजिएगा, वह मेरी पत्नी के ससुर की बहू, तो हम यहाँ पे मेरी पत्नी के ससुर की बहू, तो हम कह सकते हैं कि यह मेरी भाभी भी हो सकती हैं। अगर किसी के कि कोई व्यक्ति अपने भाभी के बारे में बात इतना कह सकता है ना कि वह मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, है ना। और भाभी का पति क्या हो जाएगा? भाई। उस औरत के पति का बेटा है और भाई का बेटा क्या हो जाएगा? बताइए, भतीजा हो जाएगा, है ना। भाई का बेटा क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हो गया भाई और ये हो गया पत्नी और ये हो गए पत्नी के ससुर, है ना, सॉरी पत्नी के ससुर की बहू। तो बहू एक तो ये हो जाएगी और एक तो ये हो जाएगी। अगर ये होता तो उसका पुत्र होता, लेकिन पिता के बगल में बैठा है तो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? बहू का मतलब मेरी पत्नी के ससुर की बहू, मेरे पत्नी के अलावा क्या होगी? मेरी भाभी होगी। और भाभी का पति क्या होगा? भाई। और भाई का पुत्र क्या होगा? भतीजा। तो वह लड़का क्या हो जाएगा? भतीजा। लेकिन पूछ रहा है कि लड़के से उस आदमी का, लड़के से उस आदमी का, तो आदमी क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, है ना। भाई का पुत्र क्या होता है? भतीजा। तो आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। तो जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि पिता आंसर होगा वो तुरंत मुर्गा बन जाए, है ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि पिता आंसर होगा वो तुरंत क्या करेंगे? मुर्गा बन जाएंगे, है ना। पिता आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? चाचा होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी
उसकी पत्नी, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, औरत ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब स्वयं की बात कर रही है, और स्वयं क्या है, वह उसकी पत्नी है। तो बताएं कि उस औरत का, औरत उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, है ना। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, है ना, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू द मैन, है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर, वह महिला क्या है, अगर कोई महिला कहे कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मतलब महिला स्वयं हो गई और वह क्या है, उसकी पत्नी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्नी। आगे देखिए क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन मैन सेड टू वोमेन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज वोमेन रिलेटेड टू द पर्सन, है ना। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, मतलब व्यक्ति के बारे में ही व्यक्ति पुरुष कह रहा है, ठीक है। क्या इसकी माँ, किसकी माँ, उस व्यक्ति की माँ, उस व्यक्ति मतलब इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता, मतलब महिला के पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब महिला हो गई, महिला स्वयं की बात कर रहे हैं ना, महिला स्वयं की बात हो गई, ठीक। और वो क्या है, उस व्यक्ति की माँ है, तो वह क्या है, उस व्यक्ति की माँ। अगर हम किसी महिला से कहें कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, तो उस महिला के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम महिला से कहें कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, उस महिला की बात कर रहे हैं, और वह क्या है, इसकी माँ है, मतलब इस व्यक्ति की माँ है, तो महिला व्यक्ति की क्या हो गई, माँ हो गई। तो बताइए बताइए उस व्यक्ति, वह औरत कैसे संबंधित है, तो वह व्यक्ति, उस औरत उस व्यक्ति की क्या है, माँ है। तो आंसर हो जाएगा माँ, बस समझ में आई, आंसर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, रीना का परिचय कराते हुए विजय अपने मेहमानों से बोला, रीना का परिचय कराते हुए विजय अपने मेहमानों से बोला, उसके पिता, मतलब किसके पिता, रीना के पिता, रीना के पिता कौन है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब विजय अगर ये कहे कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मतलब विजय स्वयं की बात कर रहा है, मतलब विजय अपनी बात कर रहा है, और स्वयं क्या है, रीना का पिता है, विजय क्या है, रीना का पिता है। तो बताएं रीना विजय नहीं, विजय हो जाएगा, रीना विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो रीना विजय की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, है ना, रीना विजय की क्या हो जाएगी, पुत्री। क्यों, क्योंकि विजय ने कहा इसके पिता, इस महिला के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब स्वयं हूं, तो वह महिला का क्या हो जाएगा, विजय पिता हो जाएगा, और महिला उसकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, मतलब रीना उसकी पुत्री हो गई, ठीक। आगे देखें, पॉइंटिंग टू पंकज प्रियंका सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, देन हाउ प्रियंका इज रिलेटेड टू पंकज, पंकज की ओर इंकित करते हुए प्रियंका ने कहा, है ना, कि उसके पिताजी, उसके पिताजी, किसके पिताजी, आप कहेंगे पंकज के पिताजी, पंकज के पिताजी कौन है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अभी मैंने आपको बताया था मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, मेरे पिता, और मेरे पिता का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, प्रियंका के पिता, प्रियंका के पिता, है ना। अगर हम आपसे कहें ये बात कि प्रियंका ये कहे कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो वह किसकी बात कर रही है, प्रियंका अपने पिता की बात कर रही है, प्रियंका के पिता, प्रियंका के पिता कौन है, वही पंकज के पिता हैं, प्रियंका के पिता कौन है, पंकज के पिता हैं। तो प्रियंका के पिता भी और पंकज के पिता भी क्या है, एक ही है ना, प्रियंका के पिता और पंकज के पिता एक ही है ना, तो प्रियंका और पंकज क्या हो गए, भाई बहन। तो पूछा है प्रियंका का,
पंकज से क्या रिश्ता है, आंसर क्या हो जाएगा, बहन का, है ना। प्रियंका का पंकज से क्या रिश्ता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, बहन का। ठीक, चलिए आगे, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना हो, आप फिर से एक बार इंफॉर्मेशन है, विकास सिंह रीजनिंग आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो तुरंत इस वीडियो को आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, है ना। ठीक, तुरंत शेयर कर दीजिए। अगर आप लाइक करना भूल गए हैं तो तुरंत जाइए और नीचे लाइक के बटन को थंब दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए। एक पुरुष का परिचय करते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर मेरे पिता के ससुर हैं, इसके ससुर मेरे पिता के ससुर हैं, है ना, इसके ससुर, ध्यान दीजिए, ध्यान से, पहले मैं इसको फैमिली ट्री बनाऊंगा तब आप समझेंगे। ठीक है, इसके ससुर महिला के ससुर, क्या पुरुष का परिचय देते, स्त्री ने कहा, स्त्री कह रही है, स्त्री कह रही है, स्त्री कह रही है ना, इसके ससुर मतलब महिला के पिता क्या हैं, मेरे, इसके ससुर मतलब जो मेरे पिता हैं, इसके ससुर के पिता, है ना, इसके ससुर के पिता, है ना, इसके ससुर के पिता एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, इसका मतलब वह महिला है, इस व्यक्ति के बारे में कह रही है कि इसके ससुर मतलब इसके पत्नी के ससुर के जो पिता हैं, इसकी पत्नी के ससुर के जो पिता हैं वो मेरे ससुर हैं, महिला के ससुर हैं, तो यह महिला हो गई और यह क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। ठीक, तो वह पुरुष स्त्री से कैसे संबंधित है, तो वह पुरुष स्त्री के पुत्री का क्या हो जाएगा, पति, और पुत्री का पति क्या होता है, दामाद होता है, है ना। देखिए, यह महिला कह रही है कि इसके ससुर, इसके ससुर मतलब इसकी पत्नी का पिता, ससुर के पिता क्या है, मेरे ससुर हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि आप अपने घर में जाइए, आप ऐसे करिए कि आपकी माता, है ना, माता की, मान लीजिए आपके दीदी हैं, दीदी के जीजा जी हैं, तो आपके माता के पति क्या हो गए, बताइए, ससुर हो जाएंगे आपके जीजा जी के, और ससुर के पिता, अब ससुर के पिता मतलब आपके जीजा के ससुर के पिता, आपसे समझिए, आपके जीजा जी के ससुर के पिता आपके माता जी के क्या लगे, तो जीजा जी के ससुर के पिता मतलब आपके पिता, और पिता के पिता मतलब आपके दादाजी आपके माँ के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दामाद इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, है ना, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। फिर देखिए, मेरी, इसी चीज को आप अगर पकड़े रहेंगे समस्या नहीं होगा, मेरी माँ का इकलौता पुत्र मतलब स्वयं की बात कर रहा है, और स्वयं क्या है, स्त्री का परिचय देते हुए स्त्री का पिता है, स्वयं क्या है, स्त्री का पिता है, इसका मतलब स्त्री उसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। वह स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। वाइल इंट्रोड्यूसिंग वोमैन ए मैन सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर, देन हाउ इज द वोमैन रिलेटेड टू द मैन। ठीक, चलिए आगे। मोहन कहता है, कौन कह रहा है, मोहन कह रहा है, यह लड़की मेरी माता के पौत्र है ना, इसका मतलब मेरे पुत्र, मेरी माता का पौत्र मेरे पुत्र की क्या है, पत्नी है, है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरी माता का पौत्र मतलब मेरा पुत्र की क्या है, पत्नी है, तो मोहन लड़की का कौन है, मोहन पुत्र की पत्नी है, इसका मतलब मोहन लड़की का क्या है, ससुर है, है ना, मोहन लड़की का क्या है, ससुर है, मोहन लड़की का क्या है, ससुर है। ठीक, आगे देखिए। सुमन की ओर इंगित करते हुए राजेश ने कहा, सुमन की ओर इंगित करते हुए राजेश ने कहा, उसकी माँ की, किसकी माँ की, सुमन की माँ की इकलौती पुत्री, अब बताइए
सुमन की माँ की इकलौती पुत्री सुमन स्वयं हो जाएगी। बताइए, सुमन की माँ की इकलौती पुत्री सुमन स्वयं हो जाएगी, और स्वयं क्या है, मेरी माँ है, मतलब राजेश की माँ है। इसका अर्थ ये हुआ कि सुमन राजेश की क्या है, माँ है। सुमन क्या है, राजेश की माँ है। राजेश का सुमन से क्या रिश्ता है, राजेश सुमन का क्या है, पुत्र है। अगर सुमन राजेश की माँ है तो राजेश सुमन का क्या है, पुत्र है। ठीक, तो यहाँ से आज का लेक्चर आपका क्या होता है, समाप्त होता है। जो भी आपकी समस्या हो, रीजनिंग विकास सिंह रीजनिंग टेलीग्राम चैनल सर्च करिए और तुरंत आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।